Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 8-6-2020, subject English Grammar, class 1, book The Grammar Right Book, chapter 5. My dear students, in the last class we were reading about adjectives, right? तो हम लोग adjectives के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे. So what is adjective? A word that describes noun or a naming word is called a describing word. Adjectives किसे बोलते हैं? A word जो आपका naming word या फिर noun के बारे में describe करता है, उसे हम describing word या फिर adjective बोलते हैं. ठीक है? तो चलिए, हम आपको बोले थे पिछले क्लास में कि कुछ exercises हम अपने तरफ से आपको देंगे, जिसको आप solve करके या फिर practice कर पाएंगे. ठीक है? चलिए तो questions पढ़ते हैं. नंबर वन, सर्कल द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसको सर्कल करना है. ए, दैट फूड टेस्टेड बीटर. तो देखिए यहाँ पे द फूड टेस्टेड बीटर, यहाँ पे खाना के बारे में बताया गया है. तो खाना क्या था? बीटर, तीता था. द फूड टेस्टेड बीटर. तो यहाँ पे बीटर को आपको क्या करना है? सर्कल करना है, क्योंकि वो एडजेक्टिव है. नंबर बी, I was ashamed that I did not pass my test. I was ashamed that I did not pass my test. तो यहाँ पे ashamed क्या आपका एडजेक्टिव है, तो इसे आपको सर्कल करना है. तो इसी प्रकार से आपको बाकी सेंटेंस को पढ़ना है और जो एडजेक्टिव है उसे सर्कल करना है. ठीक है? चलिए नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है और ये बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है, तो आपको सही एडजेक्टिव वर्ड लगा के ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. नंबर वन, आई लव द डैश एयर इन द समर टाइम. आई लव द सॉफ्ट एयर इन द समर टाइम. नंबर टू, द स्काई लुक्स रियली ब्लू टुडे. नंबर थ्री, द टोस्ट वॉज सो हार्ड आई कुड बेली ईट इट. तो इस प्रकार से आपको यहां से सही एडजेक्टिव वर्ड को चूज करके आपको इस ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर थ्री, रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव. यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसमें से एडजेक्टिव को क्या करना है? अंडरलाइन करना है. तो चलिए पढ़ते हैं. नंबर ए, जॉन वेंट टू द बिजी स्टोर टू पिक अप रेड एप्पल्स. यहाँ पे क्या बोला गया है? जॉन एक सबसे भीड़ भड़ाका स्टोर में गया, वहां से वो रेड कलर का एप्पल्स लेके आया. तो यहाँ पे बिजी और रेड, ये क्या आपका एडजेक्टिव है. नंबर बी, द टॉल मैन सॉ दैट रामन वॉज अ वेरी काइंड जेंटलमैन. एक लंबा आदमी ने क्या देखा? कि रामन बहुत जेंटलमैन किस्म का व्यक्ति है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? काइंड. ओके? तो यही आपको पढ़ना है सेंटेंस, और इसमें जो एडजेक्टिव है उसे आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है? तो आप सबसे पहले एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आप ये जो एक्सरसाइज हम अपने तरफ से दिए उसे आप सॉल्व करेंगे. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.